ओम शांति। आज 2 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? उत्तर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन है? ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं। बाबा कहे, यह बात कभी भी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है। यहां तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते हैं। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते ही है। पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह अलौकिक बाप है जिसको कोई नहीं जानते हैं। बल ब्रह्मा का मंदिर है, यहां भी प्रजा पिता आदि देव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला शिव बाबा, दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही बाप है, वही दिल वाला है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग तो कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बाबा कहे, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, जितना हो सके याद करते रहो, चित्र भी भल याद रखो। बाबा ने चित्र भी बनवाए हैं तो चित्र भी भल याद रखो। याद तो रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते नहीं है। बाबा आज कहे, ब्राह्मण दुनिया में भी कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, इसका अर्थ यह नहीं कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखता है। नहीं,
उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, वह बीज रूप है, बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब तो यह पद पाएंगे। यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम बिना शरीर यानी अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले। इस संसार में देह के सब संबंध किसी न किसी रूप से दुख देते हैं। तो बाबा कहे, देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले, तो दुख देने वाले उनको क्यों याद करते हो? जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूं, वहां कोई दुख नहीं। वह है दैवी संबंध। यहां पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में। पहला दुख वहां से शुरू होता है, स्त्री और पुरुष के संबंध में। क्यों? क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूं जहां विकार की बात ही नहीं रहती। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। नहीं, काम को जीतना है वही आदि मध्य अंत दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। पतित अक्षर विकार पर पड़ता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम सत्युग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। ज्ञान की हर बात को समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है, बाबा भी जानते हैं मेहनत है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी है कि वन वर्ल्ड वन राज्य वन रिलीजन वन भाषा, ये चाहते हैं कई लोग कि एक दुनिया के अंदर एक राज्य एक धर्म और एक ही भाषा हो। तुम समझा सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्वच्छ बुद्धि जरूर बने लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं, पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन ऑर्गन्स द्वारा। यह तो पुरानी छीछी दुनिया छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो, पूजन लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो इसलिए तुम्हारा गायन है। पूजा नहीं हो सकती, गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, अर्थात महिमा जरूर होती है। गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है न कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है।
अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। ये नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगेगा। यहां माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है। हम जानते हैं बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है ना। विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन योग आकर कोई सिखाए। अब योग दो प्रकार के हैं, बाबा समझाते हैं। अब योग दो प्रकार का है, एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी, वह तो बहुत दिन से चले आते हैं। राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है। सन्यासी क्या जाने राजयोग से। बाप ने आकर बताया है, राजयोग मैं ही आकर सिखाता हूं। कृष्ण तो सिखला न सके। ये भारत का ही प्राचीन योग है। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे बैंकुंठ की भी जयंती होती है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे बैंकुंठ की भी जयंती होती है। बाबा आते ये वैकुंठ की स्थापना करने, जिसमें कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती हो रही है। तुम पवित्र बन जाएंगे, कल्प पहले मुआफिक स्थापना हो रही है। तो शिव बाबा की जयंती सो स्वर्ग की जयंती। बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण दुश्मन है। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कहते हैं शादी है बर्बादी। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। क्या निकाला है कि बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, अब वापस जाना है। तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाप की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम ही फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है, वह अब की बात है। लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है। यह बाप मत देते हैं। शिव बाबा आकर के हमें मत देते हैं। क्या मत देते हैं? बाबा कहे यह बाप मत देते हैं, मां में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं,
बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो यह भी रिफ्रेश करते हैं। शिव बाबा भी रिफ्रेश करते तो ब्रह्मा बाबा भी रिफ्रेश करते, यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं सवेरे। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या ये ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? कोई बाबा के पास आते हैं मिलने के लिए तो क्या ये ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता, शिव बाबा कहे मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? बाबा कहे तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे, यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। वहां बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब है, शाहूकार तो सरेंडर हो न सके। गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है, अपने लिए महल यहां या वहां नहीं बनाता। शिव बाबा अपने लिए महल यहां या वहां नहीं बनाते, यहां यानी इस दुनिया में, न वहां सतयुग में, न परम धाम में। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। आज धनतेरस है ना, तो आज बाबा कहे झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, कृष्ण के लिए कहते हैं कि गीता सुनाई, परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहते कि झोली भर दो। शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक है। शंकर तो झोली खाली करने वाला है, महाविनाश होती है तो सबका खाली करने वाला। हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकता, विनाश तो होना ही है। गाया हुआ भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाप हर एक के नफ्स देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर न सके ऐसी राय ही क्यों दूं। बाबा किसी को कोई राय दे और वह अगर उस राय को फॉलो न करे, चले नहीं उस अनुसार उस आज्ञा पर, तो उसके ऊपर परमात्मा की अवज्ञा करने का कितना भारी बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहे ऐसी राय ही क्यों दूं मैं, नब्ज देखकर ही राय देते हैं। बाबा को इसीलिए जो कहना होता है बच्चों को मुरली में कह देते हैं, ताकि पर्सनल किसी के ऊपर बोझ न चढ़े पाप का। इनके पास तो आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा किसी बात के लिए कोई अगर पूछता है तो राय देते हैं। सबको पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए? अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम नर्कवासी हैं। अब तुम न नर्क में हो न स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका। तुम कलयुगी दुनिया से किनारा
अब छोड़ चुके हो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं तो गुटखा खाकर डूब मरते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खेवैया अब हमको ले जा रहे हैं। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही है, यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथ कारडे दिल यार दे। आधा कल्प से तुम आशिक बन माशुक को याद करते आए हो। बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गंवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत, भारत को बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है सबसे पुराना भी है। यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है, जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हों के अंदर में बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए। कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो, परंतु हमको बाप से वर्षा लेना है। यह थोड़ी बुद्धि में बैठता है। प्रदर्शनी देखने बहुत साधु संत आए होंगे तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि हाँ तुम तो सत्य बताती हो, लेकिन ये तो नहीं कहते हमको बाप से वर्षा लेना है। ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है, यहां से बाहर निकले खलास। अभी तुम जानते हो कि बाप हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहां न गर्भ जेल न वह जेल होगी, फिर कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेगी। यहां यह सब है माया का पॉम्प। आजकल हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहती है, इतनी फास्ट गति वाली हो गई। सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं है। यहां मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे, सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नहीं हो जाएगी। सत्युग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। सावधान करते बाप, आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, यह है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं, हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है, माया के तूफानों से डरना नहीं। आज का बाबा का मधुर वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता
मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई है उन्हें भूल कर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। आज का स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघाल न दे। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघाल न दे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.